दोस्तों, क्या हुआ जब वैज्ञानिकों ने इस मंदिर में सीसीटीवी कैमरा लगवा दिया? तो बिहार में एक ऐसा मंदिर मौजूद है जहां पर सभी मूर्तियां आपस में ही बातें करती है, जहां पर रात के समय में जाना पूरी तरह से मना है। इस मंदिर में जाने वाले भक्त ऐसा बताते हैं कि इस मंदिर में घुसते ही उनको ऐसा फील होता है कि उनके आसपास कोई ऐसी शक्ति है जो कि उनकी रक्षा करते हैं, मानो वहां पर सच में देवी माँ हो। वहां के पुजारियों से जब इस मंदिर के बारे में पूछा गया तो वो बताते हैं कि इस मंदिर को आज से 400 साल पहले एक तांत्रिक के द्वारा बनवाया गया था और उसने देवी माँ का इतना ज्यादा कठोर तपस्या कर लिया था कि वहां की सभी मूर्तियां जागृत हो गई। और ये मंदिर खासकर तंत्र साधना के लिए बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात तो ये है कि जब भी कोई इंसान रात के समय में इस मंदिर के सुनसान रास्ते से गुजरता है तो उसे मंदिर के अंदर से कुछ अजीब आवाजें सुनाई देती है, जबकि रात के समय में मंदिर के अंदर कोई भी इंसान प्रवेश नहीं करता है। जब साइंटिस्ट को इस मंदिर के बारे में पता चला तो वे लोग इस मंदिर में सीसीटीवी कैमरा लगवा दिए, लेकिन तब भी आज तक कोई ये पता नहीं लगा पाया कि मंदिर के अंदर ये आवाजें कैसे आती है, क्योंकि कैमरे में सब कुछ नॉर्मल नजर आता है। दोस्तों, अगर आप कभी बिहार के बक्सर में जाओ तो राजराजेश्वरी मंदिर में जरूर जाना। जय माता।